दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था। चार ऑप्शन है हमारे पास, 1 दिसंबर 1995, बी ऑप्शन है हमारा 1 जनवरी 1995, सी ऑप्शन है 1 नवंबर 1994 और डी है हमारा 15 अप्रैल 1994। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1 जनवरी 1995, बी हमारा राइट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 91वां देश कौन है, ये बताना है हमें। 91वां देश कौन था इस बारे में बताना है। चार ऑप्शन है, ए जापान, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी इटली। चार ऑप्शन में से हमें राइट चूज़ करना है। सी इसका राइट आंसर है, पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 91वां देश पोलैंड था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था। चार ऑप्शन है, 22 अक्टूबर 1995, 1 जनवरी 1985, तीसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945 और चौथा ऑप्शन है 3 नवंबर 1950। हमारा जो राइट आंसर है वो है 3 नवंबर 1950। महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 में स्वीकार किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ में किस अंग की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है। ये काफ़ी ट्रेंड का क्वेश्चन है कि आजकल किस अंग की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है। चार ऑप्शन है हमारे पास, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, महासभा। राइट आंसर है हमारा सुरक्षा परिषद। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है, ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। ये है पूर्वी तिमोर सितंबर 2020 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। पूर्वी तिमोर का नाम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। पूर्वी तिमोर सितंबर 2020 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। चार ऑप्शन है, लेटविया के साथ, बी स्विट्जरलैंड के साथ, सी ऑप्शन है इरिटिया के साथ और डी ऑप्शन है एस्टोनिया के साथ, एस्टोनिया। अच्छा, राइट आंसर जो है हमारा वो है बी, स्विट्जरलैंड के साथ। पूर्वी तिमोर सितंबर 2020 में स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, एक दो बार, और इसके चांसेस भी बहुत होते हैं पूछने के। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है। चार ऑप्शन है, अमेरिका से, रूस से, स्विट्जरलैंड से, सदस्य राष्ट्रों से। तो इसका जो राष्ट्र आंसर है वो है सदस्य राष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य राष्ट्र से विश्व वित्त सहायता प्राप्त है। जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके द्वारा वित्त सहायता प्राप्त की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र वी उपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है जापान, भारत, स्वीडन और अमेरिका। तो देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है इसका दोस्तों भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र वी उपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये है इसका राइट आंसर दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की जीके की वीडियोस हम डालते रहते हैं और भी हमने काफ़ी सारी वीडियो देखी बनाई है, उन्हें ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे भी जा चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब ज़रूर करें।